शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शेरा बिकाऊ है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा कमीना है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा गधा है, शेरा चोर है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा चमचा है। तमाम वोटों की गिनती के बाद इस साल के यूनियन लीडर मिस्टर प्रेम कुमार चुने गए हैं। लुट गया, बर्बाद हो गया, ब्याज काट के। क्या ये है? तुम क्या हमको वो देने आए, धमकी? नहीं नहीं सेठ जी, हम सिर्फ अपना हक मांगने आए। मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक उनका ओवरटाइम मिल जाए और साल में कम से कम 2 महीने का बोनस मिल जाए। यही है ना? अरे चाचा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, एक तो मजदूरों को नौकरी दो, फिर उस पर बिठाओ गोद में, कुछ नहीं मिलेगा। चलो, डक, डक, चलो जी। ये जो आप बार बार चलो चलो बाहर निकलो, काम करना करो वरना चले जाओ, ये जो दोहराते रहते हैं, ये सब 1857 की बातें। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और इस आजादी में सिर्फ अमीर ही नहीं, गरीब भी आजाद हुए। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, मगर ये फैक्ट्री मेरे बाप को अंग्रेजों ने वफादारी के इनाम में दी थी। जब ये फैक्ट्री अंग्रेजों ने दी थी तो यहाँ आजादी की हवा नहीं है, आजादी की हवा बाहर चलती है, वहां जाओ खाने के लिए। चलो 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 चलो। तो इस फैक्ट्री में आजादी की हवा तो लानी ही पड़ेगी। मतलब तुम वो लाओगे, क्या कहते हैं वो, इंकलाब? तो हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो उनके साथ उन्होंने किया था। किसने किसके साथ कहां क्या किया था वो तो मुझे याद नहीं है, मगर कुछ किया जरूर था। हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे, समझे? तुमको कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो, अरे मैनेजर भी नहीं, क्या बोलते उसको, भाग जा। चलो सेठ जी, हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? काम बंद और हड़ताल। चलो। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते, क्या है? वो भाई की फीस भरनी है मैनेजर साहब। तो पिछले 6 महीने से मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, पैसा उसका नहीं लिया मैंने। ओवरटाइम? फैक्ट्री नुकसान में चल रही है, ओवरटाइम कैसे मिल सकता है? नुकसान कैसे हो सकता है मैनेजर साहब, हर रोज ट्रक भर भर कर माल तैयार होकर बाहर जाते हैं, मशीनें 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहती। हिसाब हम जानते हैं या तुम जानते हो? लेकिन ये तो जुल्म है, नाइंसाफी है, मैं मालिक से शिकायत करूंगा। जाओ जाओ करो, मालिक तुम्हें नौकरी से निकालना दे नोटिस देकर, तो मैं मैनेजर नहीं इस कंपनी का। नोटिस? किस बात का नोटिस? क्यों निकालेंगे मालिक, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तुम यहाँ पर काम करने आए हो या हक जमाने आए हो? वो कोई और फैक्ट्री होगी जहाँ पर तुम जैसे आग लगाने वाले भड़काने वाले मजदूरों की दौड़ चलती है, यहाँ पर नहीं चलेगी। जाओ अपना काम करो, जितनी देर तुम यहाँ पर बातें करने में लगाओगे उसका 4 गुना वक्त शाम को रुक कर ओवर टाइम करना पड़ेगा। जाओ, समझे? अरे इतना वजन तो दारा सिंह पहलवान भी नहीं उठा सकता, तो हम जैसे पापड़ सिंह पहलवान पर काहे रख दिया? अबे ये कनाडा कर रहा है, चलना। अरे अरे चल। अरे साहब, अरे मरे मरो, अरे मरो पकड़ के, अरे शराफत दिखाओ तो कभी ने बुझदी नहीं समझते। नहीं भाई, बोलो प्रेम को मार रहे हैं क्या? हाँ। प्रेम अधिकार मत कर, रही मारा है। मजा ले, मजा ले, मजा ले, हाथ, हाथ।
सेठ ने बुलाया है। प्रेम तुमको आते सेठ के पास आते जाओ। हाँ ठीक है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ये धरमदास की वो है फैक्ट्री या गुंडों का वो है अड्डा? मैं अगर तुम्हारी पुलिस में वो करा दूं मैं शिकायत, तो तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, क्या कहते हैं वो, जेल में। तो कर दीजिए शिकायत, बुलाइए पुलिस को, वो भी तो देखेंगे सेठ धर्मदास की फैक्ट्री में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मनमानी होती है, मजदूरों के साथ बेइंसाफी होती है, गुंडागर्दी होती है, कभी कभी उन्हें मारा भी जाता है। तुम कौन होते हो दूसरों के साथ वो करने वाले? बोल बे। हमदर्दी। हमदर्दी? तुम कोई फ्लोरा फाउंटेन हो? सेठ जी, लॉर्ड माउंटबेटन। तुम कोई लॉर्ड माउंटबेटन हो? ये मेरी वो है और मैं उसका वो हूँ। क्या यार, फैक्ट्री है और मालिक है। मालिक हूँ। सेठ जी, वो दिन गए जब मालिक के कहने से मजदूरों की खाल उधेड़ी जाती थी। आज मजदूर और मालिक फैक्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप हमें तनख्वाह देते हैं तो हम अपना वक्त देते हैं। मजदूर अपने खून का रंग जलाकर उसे पसीना बनाकर मशीनों में बहा देते हैं। देखो रहीम, यहाँ तुम्हारी वो नहीं चलेगी भाषणबाजी। इस शहर में, इस देश में कानून बदल गया होगा मगर यहाँ नहीं बदला। दूसरे मिलों और फैक्ट्रियों में मालिक और नौकर बराबर के होते होंगे, क्या कहते हैं उसको, हिस्सेदार, मगर यहाँ नहीं। यहाँ बकरी और गधा एक ही घाट पे पानी नहीं पीते। बस जी, शेर और बकरी। हम जो कहते हैं वही सही है। सही है। यहाँ सरकारी कानून चलता है ना, गुमाश्ता कानून चलता है, बल्कि सेठ उस दास का कानून चलता है। क्या बे? धर्मदास। धर्मदास का? बर्दाश्त होता है तो काम करो, वरना फैक्ट्री का वो खुला है, निकल जाओ बाहर। दरवाजा। इतनी आसानी से नहीं जाएंगे सेठ साहब, अब तो नहीं जाएंगे। पहले इस केस को यूनियन में ले जाएंगे और फिर इसका फैसला होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उसकी वो मत करो फिकर, तुम्हारी उसकी, उसको मैंने यही बुलाया है। क्या बे? यूनियन लीडर। गुड मॉर्निंग सेठ जी। लो आ गया तुम्हारा वो, क्या कहते हैं उसको, यूनियन लीडर। लीडर, देखिए आपकी यूनियन के होते हुए इस फैक्ट्री में कैसे कैसे अन्याय हो रहे हैं। नहीं बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, जब अपन पूछा तभी बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। आज तक इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम हुआ है शांति के साथ हुआ है, आगे चल के भी जो काम होगा बिल्कुल शांति के साथ होगा। अरे किस बात की शांति, लोगों को हमारा बेटा जाता है और उसके बाद हमारा बोनस। अबे किस बात का बोनस, ये तो सेठ की शराफत है कि तुम लोगों को नुकसान सहकर भी नौकरी पे रखा हुआ है। वरना और को सेठ होता तो फैक्ट्री पे ताले लग जाते और सारे मजदूर लोग घर बैठ जाते। और तुम दोनों, हाँ तुम दोनों का अपन ने अच्छी तरह से पूछताछ किया है, सारा लफड़ा इच्छी कराने वाला तुम दोनों, और जो ये झगड़ा हुआ ना ये भी तुम दोनों ने करवाया है। अरे शेर साहब, नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का, जब अपन पूछेगा तभी बोलने का, वरना नौकरी से बाहर निकाल दिया जाओगे। और सुनो, इस लफड़े से जितने भी लोगों को चोट लगी है उसकी मरम पट्टी का खर्चा और ऊपर से जो खर्चा होगा वो तुम लोगों के पगार से काटा जाएगा। आप चलो सेठ कट्टे। चलो सेठ का चमचा। अरे पर सेठ साहब, हमरा का होगा, हमरे लिए तंबाकू का पत्ता और अरंडी का तेल मंगवा दीजिए, गरम गरम करके सेक लेंगे, नहीं तो हमरा पंचर कभी ठीक नहीं होगा साहब। अबे यहाँ से निकल ले वरना अपन तुझे पंचर कर देगा। और नहीं बस, और नहीं, चल निकल ले, पतली गली पकड़ ले, फूट ले फिल्मी भाई। अरे वाह शेरा वाह, अगर तुम इसी तरह वो करते रहे काम तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। अल्फांसो? कौन अल्फांसो? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। सेठ जी। हाँ मैनेजर जी, इसके उसमें खुजली हो रही है वहां वो रख दो, हाथ में खुजली हो रही है पाउडर रख दो। पाउडर? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं, पैसा पैसा पैसा। चलो ओ सेठ जी, थैंक यू, जाओ। अरे आहिस्ता राम कटोरी, हमरे होने वाले बच्चे की माँ जो अब कभी ना ही हो सकेगा। क्या कर रही हो? पड़ोस पड़ोस वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो लुट गए, हमारी जवानी बर्बाद हो गई। वो हराम कोर हमारी गोद में झाड़ू फेर गए रे। भगवान करे कि उनकी औरतें मर्द हो जावे और मर्द औरत। अरे कैसन बद्दुआ दे रही हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कौनन उस काम नहीं होगा। औरत मर्द बन जाएंगे और मर्द औरत, तो जो मर्द है वो तो बच्चे जनेंगे और औरतें काम पर चली जाएंगी। अरे सारा नुकसान तो हमरा हुई गवा ना। नहीं हमरा कौन नुकसान नहीं हुआ है, देखना। अरे हम भी गंगू पहलवान का बेटी है। अरे हमरे बाप ने हमका एक से एक तेल बनाना सिखाया है। तेल? अब देखो अब हम तुमका का से का बनाते हैं। सबसे पहला, हाँ सबसे पहला हम तुमका करेले का रस पिलाते हैं। हाँ, आए करेले का रस? हाँ नीम की छाव में बैठकर पीस पीस करी करेले का रस निकाला है। ये पीकर
तुम भी इन पहलवान जैसन सांड हो जाओगे। लो पीलो, घसीट जाओ। अरे फिर का है? करेले का रस। नहीं। अरे पियो पियो पियो। जियो। अब बोल तुझे क्या चाहिए ब्याज काट के? जी 500 रुपए उधार चाहिए, गांव में बेटी के हाथ पीले करने हैं। अरे बेटी के हाथ पीले करने हैं या खुद का मुंह काला करना, इससे मुझे क्या लेना देना? पहले ये बता लौटाएगा कब ब्याज काट के? 6 महीने बाद लौटा दूंगा साहू जी। हम महीने का 10% ब्याज लेता है ब्याज काट के, ये तो मालूम है ना तुम्हें? यानी 100 पर 10 रुपया, 500 पर कितने हुए? 50 रुपए, और कुल 6 महीने के कितने हुए? 300 रुपए। हम ब्याज पहले ही काट लेते हैं, समझे? अब 500 में से 300 गए तो कितने बचे? 200 रुपए। ये लो 200 रुपए और 500 पर दस्तखत कर दो ब्याज काट के। या शाबाश, ये लो। डैडी डैडी क्या? मुझे 200 रुपए चाहिए। वापस कब लौटाओगी ब्याज काट के? क्या? अरे अरे तू है, बोल क्या चाहिए? मुझे 200 रुपए चाहिए, कॉलेज में फंक्शन है ना उसके लिए। अरे मैं दिन भर लोगों का गला दबा दबा कर उनसे पैसे निकालता रहता हूँ ब्याज काट के, और तू कॉलेज में जाकर फंक्शन में सब कुछ उड़ा देती। अरे कोई ऐसे कॉलेज में क्यों नहीं भर्ती हो जाती जहाँ खाना पीना फीस फंक्शन सब मुफ्त में हो जाए ब्याज काट के? आप पैसे देते हैं या आपके बही खाते इनकम टैक्स वालों को दिखा दूं? छी 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 छी, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, दोबारा जाकर नहाना पड़ेगा। छी 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 छी, ये लो। डैडी ये तो 180 है। अरे 20 रुपए मैंने काट लिए ना ब्याज में, ब्याज काट के। आप मुझसे भी ब्याज काटेंगे? अरे मैंने तो अपने बाप से भी ब्याज काटा था, ब्याज काट के तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं बगैर ब्याज के किसी को पैसे नहीं देता। चल भाग जा यहाँ से ब्याज काट के। नहीं मानेंगे। सुनीता सुनीता सुनीता, अरे सुबह सुबह 280 का नुकसान कर दिया। पुनीत जी। जी हुजूर। इसके बाद जो भी ग्राहक आए उसे 100 रुपया कम देना ब्याज काट के। अच्छा सेठ जी, मगर सेठ जी वो प्रेम बाबू बैठे हुए, उनका तो फैसला कर दीजिए। अरे फैसला कैसे कर दे, मकान गिरवी रख के 3000 मांग रहा है और वो भी बगैर ब्याज के। ऐसा कभी हुआ है ब्याज काट के? दे दीजिए सेठ जी, एक तो आदमी ईमानदार और दूसरा इतना अच्छा मकान 3000 रुपए में कौन गिरवी रखेगा? अरे तूने कागज तो ठीक तरीके से पढ़ लिया ना कि मकान उसका है या नहीं? जी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मकान भी जाए और 3000 भी जाए ब्याज काट के, समझा? जा बुला के ला उसे। आइए प्रेम बाबू आइए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। देखो प्रेम बाबू, वैसे तो हमें तुम्हारा ये मकान वकान पसंद नहीं आया, मगर तुम आदमी शरीफ और ईमानदार हो इसलिए हम तुम्हें 2900 रुपया दिए देते हैं ब्याज काट के। 2900 नहीं, 3000 चाहिए सेठ जी। ओहो, लेकिन 100 रुपया कम देना है ना सेठ जी। इनको नहीं, इनके बाद जो आएगा उसको। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको पूरे दे दूं क्या? हाँ तो ये लो प्रेम बाबू पूरे 3000, बाद में आने वाले से 100 रुपया काट लूंगा। हाँ लेकिन प्रेम बाबू ये पैसे वापस कब लौटाएंगे आप? देखिए सेठ जी, मेरा छोटा भाई रवि, उसे भी ये पास करने में अभी वक्त है, लेकिन विजय 2 महीने में डॉक्टर बन जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आपके 3000 रुपये लौटा दूंगा। तुम कब आई? 20 साल पहले। मेरा मतलब यहाँ कब आई? शायद उससे भी पहले, लेकिन तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं है, जो 2 घड़ी मेरी तरफ देख लो। इम्तिहान सर पर है, पढ़ना है, भैया और भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करना है। लेकिन तुम इतने शोर में पढ़ कैसे लेते हो? जब किताब में मन लग जाता है तो दुनिया का कोई शोर असर नहीं करता। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा हाथ कब थामोगे? जब तुम बीमार पड़ जाओ तब। क्या? डॉक्टर मरीज का हाथ थामता है, और हाथ थामता है तो सिर्फ नब्ज देखने के लिए, समझे? तो ये बात है। अरे सपना, I'm sorry, really sorry. तुम? आप मुझे जानती हैं? एक्टिंग मत करो, तुम वही हो ना रवि, बीए बूट पॉलिश वाला टैक्सी ड्राइवर? जी जी नहीं मोहतरमा, मेरा नाम रहमान है, अब्दुल रहमान। वो तो रवि है, रामदीन है, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। अब देखिए ना, दुनिया अभी तक हम तीनों में से कौन रवि है, कौन रहमान है, कौन रामदीन है, पहचान ही नहीं सकी। अरे गलती एक करता है, पकड़ा दूसरा जाता है, और सजा तीसरे को मिलती है। कमाल की
और एक बात सुनिए, इम्तिहान एक देता है, पास दूसरा होता है, और जनाब सर्टिफिकेट तीसरे को मिलता है। एनीवे, आधा वर्ष है। अच्छी बात है गुरु, मेरा नाम भी सुनीता है। तुम? आम? आम नहीं जी, वो दूसरा आम, तीसरा आम, चार बहन, सुनीता, पुनीता, कविता, सरिता। आम जिधर जाता दुनिया को चक्कर आता। हाँ, हम लोग का सबसे बड़ा प्रमादम तुमको मालूम? मंदिर एक जाता, प्रसाद दूसरे को मिलता, प्रार्थना भगवान तीसरे का सुनता, और काम चौथे का पूरा होता। बड़ा कम। अच्छा, गुरु का संडी लगा गई। हाँ, माफ कीजिएगा, ये तो सिर्फ तीन ही किताबें हैं, चौथी कहाँ है? चौथी? जी नहीं, सिर्फ तीन ही गिरी थी। ऐसे कैसे होगा, चार गिरी और तीन उठी। तो क्या मैंने एक चुरा ली? मुझे क्या मालूम, आप मुझे अकेली देखकर सता रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे आप तो खामखा गले पड़ रही हैं। क्या कहा? मैं गले पड़ रही हूँ? एक इज्जतदार लड़की के साथ ऐसी बेहूदा बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? चलिए मैं सब प्रिंसिपल साहब के ऑफिस, चलिए। अरे रे रे मोहतरमा, मेरी बात तो सुनिए, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रही है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, प्लीज। तुम? राधा जी, I'm sorry, सुनीता जी, ये तो बताइए सुनीता है कौन, ये चक्कर है क्या? अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अमीर बाप की बेटी हूँ, मेरे पास जिंदगी का हर सुख है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, तो फिर हम अपनी दोस्ती के कदमों को यहीं रोक लेते हैं, इससे पहले कि हमारी दोस्ती प्यार में बदल जाए, हम अजनबी बनकर एक दूसरे से अलग हो जाए तो ही बेहतर है। अरे अरे सुनिए, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं एक बहुत गरीब बाप की बेटी हूँ। सच? हाँ। और माँ? माँ मर चुकी है, बाप एक साहूकार के यहाँ मुनीम का काम करते हैं। रियली? हाँ। तो फिर इस दोस्ती को प्यार की शरतों में जाने की इजाजत है। शेरा जी, इस बार फिर तुम मजदूरों की यूनियन के इलेक्शन में जीतोगे, जरूर जीतोगे बैच काट के। तुझे कैसे मालूम सेठ? अरे शेरा जी, मैंने भी नेताओं के इलेक्शन की तरह तुम्हारे लिए वोट खरीद लिए हैं। हर मजदूर के घर एक एक बोतल शराब भेजती है जो पीते हैं, और जो नहीं पीते हैं उनके घर 20-20 रुपए नकदी भेज दिए हैं, और वो भी ब्याज काटे बगैर, ब्याज काट के। वाह सेठ वाह, तू तो बहुत यारबाज आदमी निकला। अरे भाई, तुम्हारा इलेक्शन तो मेरे लिए पैसों का खेत है, खेत। 20-20 रुपए के तो बीज डाल रहा हूँ, 100-100 और 1000-1000 की फसल काटूंगा ब्याज काट के। समझ गया सेठ, बिना मतलब के तो तुम अपने सके बाप को भी बाप नहीं कहोगे ब्याज काट के। अपना कीमती वोट शेरा को ही दिया जाए, हबीज की औलाद। अरे हराम ज़ादे, तुझे वोट और मैं दो चूते। अच्छा भाभी, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, और अगर गलती से कोई पिलाने के लिए आ भी जाए तो उसे मार मार के भगा दूंगा। शेरा को वोट देना, मुझे वोट देना। तुमको देखो, शेरा को वोट देना, शेरा को, शेरा। शेरा इस इलेक्शन में सिर्फ दो ही उम्मीदवार खड़े हुए हैं,
एक तुम और एक वो भिखारी प्रेम। अरे कहाँ तुम और कहाँ वो है? समझ लो हार गया वो प्याज काट के। आए ये गधा कहाँ से आ गया? इसका रिश्तेदार है। मेरा नहीं, मेरा नहीं, उसका उसका। शेरा बिकाऊ है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा कमीना है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा गधा है, शेरा चोर है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा चमचा है। तमाम वोटों की गिनती के बाद इस साल के यूनियन लीडर मिस्टर प्रेम कुमार चुने गए हैं। अरे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया प्याज काट के। क्या ये है? तुम क्या हमको वो देने आए, धमकी? नहीं नहीं सेठ जी, हम सिर्फ अपना हक मांगने आए। मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक उनका ओवरटाइम मिल जाए और साल में कम से कम 2 महीने का बोनस मिल जाए। यही है ना? अरे चाचा कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, एक तो मजदूरों को नौकरी दो, फिर उस पर बिठाओ, गोद में कुछ नहीं मिलेगा। चलो डक डक चल जी। ये जो आप बार बार चलो चलो बाहर निकलो काम करना करो वरना चले जाओ, ये जो दोहराते रहते हैं, ये सब 1857 की बातें। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और इस आजादी में सिर्फ अमीर ही नहीं गरीब भी आजाद हुए। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, मगर ये फैक्ट्री मेरे बाप को अंग्रेजों ने वफादारी के इनाम में दी थी। जब ये फैक्ट्री अंग्रेजों ने दी थी तो यहाँ आजादी की हवा नहीं है, आजादी की हवा बाहर चलती है, वहां जाओ खाने के लिए। चलो 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 चलो। तो इस फैक्ट्री में आजादी की हवा तो लानी ही पड़ेगी। मतलब तुम वो लाओगे, क्या कहते हैं वो, इंकलाब? तो हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो उनके साथ उन्होंने किया था। किसने किसके साथ कहां क्या किया था वो तो मुझे याद नहीं है, मगर कुछ किया जरूर था। हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे, समझे? तुमको कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो, अरे मैनेजर भी नहीं, क्या बोलते उसको, भाग के चलो। सेठ जी, हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? काम बंद और हड़ताल। चलो भाइयों, हमने अपने मालिक को शराफत से, इज्जत से, नम्रता से समझाया, उनके सामने हमारी मांगे रखी, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को ठुकरा दिया, हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि अब वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हमारे जा...